हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर आए सीएलसी की नई यूनिक श्रृंखला गुणनीति 28/34, जिसके टॉपिक्स है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। एंड मैं मनोज जांगे, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर से। मेरे साथ है ओपी सर, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। देखो, क्वेश्चन नंबर वन क्या है, सल्फर प्लस O2 से SO2, जिन सभी तीन चार टाइप के ये रिएक्शंस दे रखी है और इनके लिए हीट ऑफ रिएक्शन आपको गिवन है। और आपसे पूछा क्या, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 की रिएक्शन लिखो। तो एक मोल का आपको फॉर्मेशन करना है H2SO4, एक मोल का फॉर्मेशन हो गया। और किससे करोगे, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, जो किसमें रहेगा, गैसीय फेज में रहेगा, प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन। इसका आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो देखो, आप क्वेश्चंस को इन सभी को आप ऐड करोगे, देखो सभी को ऐड करोगे तो SO2 से SO2 कैंसिल आउट हो जाएगा, SO3 से SO3 कैंसिल आउट हो जाएगा, H2O से H2O कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, सल्फर प्लस हाइड्रोजन प्लस 2O2 से इधर बचेगा H2SO4। तो इसका डेल्टा H है वो कैसे आपको ऑप्टेन होगा, सभी सम कर देंगे, सभी का आप सम कर देंगे, माइनस योग कर दें 8.2, ठीक है, माइनस का 98.7, माइनस का 130.2, माइनस का 283.3, इन सब का सम करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 814.4 किलो जूल पर। आंसर 1 होगा सर। जी सर, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी सर, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गोल्ड हैव बीन ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट टू ऑल केमिस्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। एक रसायन विज्ञ साइंटिस्ट है बेटा, ठीक है। तो AuOH का होल थ्राइस गोल्ड हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, तो HAuCl4 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसके लिए डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड दे रखा है -28 किलो कैलोरी। सेकंड रिएक्शन में इस गोल्ड हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट की रिएक्शन HBr के साथ करेंगे, तो आपको यहां पर एसिड पॉपिंग होगा, HAuBr4, 3 मोल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा, और साथ में डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलेगी -36.8 किलो कैलोरी, ठीक है सर। अब कह रहा है आपसे कि जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज हुआ तो 0.44 किलो कैलोरी रिलीज हुआ, कब, जब एक मोल एच AuBr4 मिक्स किया गया 4 मोल HCl के साथ, ठीक है। अब देखने वाली बात यह है, आपसे पूछा किसका है, HAuBr4 से HAuCl4 बनाना है, इट मींस HAuBr4 कन्वर्ट होना चाहिए HAuCl4 में, ठीक है सर। जी सर, अब यहां देखना यह है HAuBr4 कहां है, इधर प्रोडक्ट साइड में, हमको किधर चाहिए, रिएक्टेंट साइड में। तो यहां से डेल्टा एच निकाल लेंगे रिएक्शन के लिए, तो नेट जो डेल्टा एच होगा ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी 36.8, और HAuCl4 कहां रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट साइड में, और एडिटिव है तो माइनस में वैल्यू ले लेंगे 28, यहां से माइनस करेंगे तो 8.8 आएगा। जी सर, तो 8.8 किलो कैलोरी ये आपको टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी आ रहा है जो कि इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा पर मोल के लिए। हां, बट यहां से क्या कर रहा है, आपको 1 मोल या 4 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो एब्जॉर्ब कितना हो रहा है प्रैक्टिकली 0.44, मिल तो कितना रहा है 8.8, बट प्रैक्टिकली एब्जॉर्ब कितना हो रहा है 0.44, बिल्कुल सही है सर। परसेंटेज की बात कर ले तो परसेंटेज कितना यूज आ रहा है, 0.44 अपॉन 8.8 इनटू परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से कैलकुलेट करेंगे तो 5% आपको ऑब्टेन होगा। ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड बोथ रिवर्सिबली एंड इरिवर्सिबली इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इफ T1, यानी कि टी इनिशियल दे रखा है सर, टी इनिशियल इज द इनिशियल टेम्परेचर एंड टी फाइनल इज द फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ठीक है सर। तो कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड है, यानी कि रुद्धोष्म सिस्टम के लाइक बिहेव करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस लाइक बिहेव करेगा, और अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो क्या सही हो सकता है, देखते हैं फर्दर। इनिशियली कह रहा है टी फाइनल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वल होगा टी फाइनल इरिवर्सिबल के, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर प्रोसेस एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको क्यू को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और क्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आपको टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर इक्वल रह जाए। देन सेकेंड ऑप्शन देखें, टी फाइनल इक्वल टू टी इनिशियल फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी गलत बात है, दोनों प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल दोनों में टेम्परेचर को इक्वल कर रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। फिर कह रहा है टी इरिवर्सिबल फाइनल बिल्कुल हायर है, बिल्कुल यही आंसर होगा, आंसर इज थर्ड, बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो सिंगल डायरेक्शन में जाएगा,
सिंगल डायरेक्शन में जाएगा तो नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज होंगे तो टक्करों से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो आप क्या करेंगे, सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जब प्रोसेस कैसा है, इरिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन जा रहा है, कॉलिजन इंक्रीज होंगी और कॉलिजन इंक्रीज होंगी तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर जो होगा फाइनल वो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा कंफर्टेबली रिवर्सिबल के, क्योंकि रिवर्सिबल में तो क्या हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन जाएगी, इसलिए एनर्जी एब्जॉर्ब भी होगी, यहाँ पर कम होगी, बिल्कुल वहां कॉलिजन का जो अमाउंट है कम हो जाएगा या टेम्परेचर जो रिलीज होना चाहिए वो घट जाएगा, इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का टेम्परेचर हायर होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, इट मींस इसके अंदर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट आंसर जी सर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, द इनकरेक्ट एक्सप्रेशन अमंग द फॉलोइंग इज, तो आपको इनकरेक्ट देखना है, इनिशियली ये रिलेशन है बिल्कुल सही है, k इक्वल टू द एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ऐसा आरएनएस इक्वेशन से होता है, डेल्टा एच नॉट को क्या लिखते थे, डेल्टा जी नॉट, इट मींस करेक्ट, यानी ये इक्विलिब्रियम पे पॉसिबल होगी, क्यों सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाएगा, डेल्टा जी तो जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, माइनस का आर टी ln डेल्टा जी सिस्टम अपॉन डेल्टा एस टोटल इक्वल टू माइनस टी, बिल्कुल ठीक है, बेसिकली डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच होता है, और ये जो डेल्टा जी है इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाएगा, अपने को डेल्टा जी ही लेना है, डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, और डेल्टा जी को अपने इक्वल लेना है इसके टी डेल्टा एस के, ठीक है, और ये किस में, माइनस में, बेसिकली डेल्टा एच को क्या ले लेंगे, जीरो लिख लेंगे, डेल्टा एच को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जीरो लेंगे, बट ये यहां पर क्या ले रहा है, डेल्टा जी नॉट ले रहा है, डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी ले रहा है सर, तो देखो सर इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि टोटल जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग होता है, ठीक सर, हाँ यहां से हो जाएगा, हाँ तो एक दूसरा वे ये भी है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन टी, अब डेल्टा एच सराउंडिंग तो डेल्टा एच सिस्टम क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस का डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, तो ये वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस सिस्टम माइनस का डेल्टा एच सिस्टम अपॉन टी, अब टी से मल्टीप्लाई कर दो तो टी डेल्टा एस टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस सिस्टम माइनस का डेल्टा एच सिस्टम, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो माइनस का डेल्टा जी, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू वी नो दैट क्या होता है, डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा एस, ठीक है, तो यहां से डेल्टा जी को लिख पाएंगे माइनस का टी माइनस टी डेल्टा एस टोटल जी सर, ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं, अपने को एक्सप्रेशन डेल्टा जी सिस्टम अपॉन डेल्टा एस टोटल, ठीक है, तो डेल्टा इक्वल है तो बिल्कुल सही, डेल्टा एस टोटल को नीचे ले जाएंगे जी सर, तो डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एस टोटल जो है वो माइनस टी के इक्वल ऑब्टेन हो जाएगा, इस तरह का आंसर होगा, यानी कि ये भी सही है, फर्स्ट और सेकंड सही है, दोनों सही है, की तरफ देखते हैं अपन, थर्ड ऑप्शन देखें, इन आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, वर्क डन का फॉर्मूला बिल्कुल सही, वर्क डन होता है माइनस, अगर बात करें log base 10 में तो -2.303 nRT log base 10 V2 upon V1, और इसको log base e की टर्म में लिख दिया गया है तो 2.303 से डिवाइड कर दिया गया सर, जी सर, इसलिए ये भी करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी log base e और log base 10 में रिलेशन क्या होता है, log e base x equal to 2.303 log 10 base x, बिल्कुल, तो base e के अंदर इसको पुट किया है, ठीक है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन से फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ln k equal to the delta h not minus t delta h not upon rt, ऐसा लिखा हुआ है, तो generally अपन कहते हैं ln k equal to the ln a minus delta g not upon rt, ऐसा ही relation होता है जी सर, ठीक है, तो delta g not की value put कर दें मार, तो ln k equal to the ln a minus ये delta h not
माइनस टी डेल्टा एस नॉट हो जाएगा अपॉन आर टी, ठीक है। अब इसको फर्दर कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाएगा एल एन के इक्वल टू द एल एन ए माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, इसको डिवाइड कर देंगे और उधर भी माइनस टी डेल्टा एस नॉट अपॉन आर टी और टी से टी कैंसिल हो जाएगी और टी से टी कैंसिल करते ही फाइनली यहां क्या बचेगा माइनस का डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो इसे लिख पाएंगे एल एन के इक्वल टू दी एल एन के इक्वल टू दी एल एन ए क्या बच गए माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी और यहां से क्या रह जाएगा माइनस का डेल्टा एच नॉट अपॉन आर, ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसा करते हैं ये माइनस का है और वो भी माइनस का दिख रहा है, ठीक है। तो इसे लिख पाएंगे एल एन के इक्वल टू दी ये एल एन ए माइनस का डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का इक्वेशन आपको अपडेट होना चाहिए, इसलिए ये जो देख रहे हैं आप ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, फोर्थ जो है ये इनकरेक्ट होगा, आपको मिलना कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ और इस इक्वेशन को कंपैरिजन भी कर सकते हैं सर, y इज इक्वल टू mx + c से ये 1 अपॉन t का ग्राफ बनता है यहां पर, ये mx इस तरह बनता है और यहां पर ये जो टर्म है ये इंटरसेप्ट कंप्लीट टर्म इंटरसेप्ट हो जाती है सर, ये जो टर्म है इंटरसेप्ट बन जाती है, इस तरह का भी इक्वेशन बन जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें चार चीजें अपने को पूछ रखी है। बिल्कुल इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जी सर, ठीक है। फॉर द केमिकल रिएक्शन एक्ट रिवर्सिबली फॉर्म वाई द स्टैंडर्ड रिएक्शन गिव्स एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर टी इन के, यानी केल्विन में पूछा हुआ है एस डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इन किलोजूल पर मोल equal to the 120-3/8 T, the major component of the reaction mixture at T, ठीक है। तो जो temperature दे रखा है, आपको उस temperature पर major component कौन सा होगा? ऐसा आपको check करना है। तो basically इस question को आप option wise check करेंगे sir। जी sir। और option wise check करने के लिए आपको जो relation दे रखा है, उसकी help लें। Delta G naught equal to the 120-3/8 T, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो 120 माइनस 3/8 और अपॉन में नीचे टी, ऊपर नहीं नीचे, अपॉन में टी नीचे, जी सर, ठीक है। अब यहां डेल्टा जी नोट की वैल्यू लिख देंगे, फॉर्मूला लिख देंगे माइनस का 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम, ये डेल्टा जी नोट का मैग्नीट्यूड होता है, इसको इक्वल कर दो 120-3/8 T के इक्वल, जी सर, ठीक है। अब यहां से ऑप्शन वाइज आपको प्रत्येक टेम्परेचर को पुट करके चेक करना पड़ेगा यहाँ पर, जी सर। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बैक से, तो आप यहाँ पर टी का वैल्यू 315 पुट करके देखें, तो जैसे आप 315 पुट करोगे और यहाँ से मुझे के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है, जी सर, तो आप टेम्परेचर की वैल्यू 315 पुट कर दें और के इक्विलिब्रियम फाइंड कर लें, तो के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू होगा वो 0.8 के करीब आएगा, 0.81 आएगा, और ये 0.811 से कम है, जी सर। और के कूलम कैसे लिखोगे इस रिएक्शन के लिए आप, कंसंट्रेशन ऑफ y अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ x, इसका मतलब 1 से कम होगा तो प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट ज्यादा होगा, इसका मतलब x के अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, इसका मतलब फोर्थ आंसर आपका सही हो जाना चाहिए, जी सर। इस तरह से आप इसको वेरीफाई करो, आगे चले, जी सर। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ए डायटोमिक आइडियल गैस इन ए क्लोज सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेरियस थर्मोडाइनमिक क्वांटिटीज, ठीक है। इनिशियली फर्स्ट ऑप्शन गिवन है सीवी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ है, तो अगर सीवी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ देखें और गैस कैसी है सर, डायटोमिक है, तो डायटोमिक गैस के लिए सीवी का मैग्नीट्यूड होगा 5/2 RT, 5/2 RT, तो यहां से देख सकते हैं सीवी इंक्रीज होगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, इसका मतलब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं सीवी वॉल्यूम के साथ डिपेंड ही नहीं करता सर, इसका मतलब कांस्टेंट रहेगा, जी सर, और नियत आयतन पर ये क्या है उष्मा आधारित है सीवी, इसलिए ये भी सही है, कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनना चाहिए, परपेंडिकुलर, और यहां देखें कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी है, तो होना कैसा चाहिए था ऐसा, बट दे रखा है गलत, इसका मतलब ये कैसा है इनकरेक्ट है, इसलिए आंसर यही हो जाएगा। कहने का मतलब सीपी और सीवी ओनली डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, बिल्कुल ठीक है, सीपी
प्रेशर कांस्टेंट है तो सीपी भी कांस्टेंट होना चाहिए था, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए था? जी सर ठीक है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगी, थर्ड इनकरेक्ट है यहां पर, इसलिए आंसर थर्ड हो जाएगा। फोर्थ भी देख लें, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एन सीबीडीटी ठीक है, और वो तो डेल्टा यू के लिए लिखते हैं। जी सर, अगर यू की बात करें तो एन सीबी वन मोल के लिए बात कर लें तो ये टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यूवी का होगा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, मतलब ये भी करेक्ट है सर। जी सर आगे चलते हैं, अपने से पूछा इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इनकरेक्ट ऑप्शन तो थर्ड होगा, बाकी क्या करेक्ट है? ठीक है सर बिल्कुल, थर्ड इज इनकरेक्ट। आगे बढ़े, गिवन दैट ये आपको रिएक्शन दे रखे वन टू और थ्री, तो आपको बेस्ट ऑन द अबाउट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक रिलेशनशिप इज करेक्ट। तो देखो आपको ये अलजेब्रिक रिलेशन से आपको ये निकालना है, तो देखो सेकंड और थर्ड रिएक्शन को देख लो, तो इसको मेजर इक्वेशन मान ले सर। जी सर, ये ऑब्जेक्ट इक्वेशन है जी सर, और इस ऑब्जेक्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखा जाए जी सर, तो बोलो क्या ये CO2 प्रोडक्ट साइड में जी सर, और यहां पर ये भी कहां है प्रोडक्ट साइड में है, इसका मतलब इसका जो एनर्जी है वो एज इट इज ले लेंगे जी सर, यानी कि x तो एज इट इज पुट कर लेंगे आप ठीक है। अब देखते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड कहां है प्रोडक्ट साइड में, बट हमको कहां रिक्वायर्ड है सर रिएक्टेंट साइड, रिएक्ट साइड में, इसका मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, y किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, इट मींस x माइनस y इक्वल टू किसके इक्वल है z के इक्वल है, तो यहां से अपने को x निकाल ले, तो x निकालेंगे तो y को शिफ्ट कर दे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस z, इसका मतलब आंसर क्या हो जाना चाहिए फोर्थ इज करेक्ट। अगर आपकी जो पीडीएफ आएगी उसमें थर्ड ऑप्शन दे रखा है तो उसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते ठीक है, फॉर सिल्वर CP का मैग्नीट्यूड दे रखा है जूल अपॉन मोल इनटू केल्विन में 23.01T ठीक है, इफ द टेंपरेचर T ऑफ 3 मोल्स ऑफ सिल्वर इज रेज्ड फ्रॉम 300 केल्विन टू 1000 केल्विन एट 1 एटीएम प्रेशर The value of delta H will be close to delta H पूछा हुआ है। We know that delta H equal to क्या होता है n Cp delta T, जिसको dT लिख सकते हैं। जी सर। n number of moles जो आपको क्वेश्चन में given है कितने? 3 moles। Cp की value आपको दे रखी है 23.01 T into dT। क्यों सर? बिल्कुल। अब इसका integration कर लो आप, तो कितना आएगा 23 T plus 0.01 T square by 2 और यहां T की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहां देखो इनिशियल टेंपरेचर कितना दे रखा आपको 300 केल्विन और फाइनल टेंपरेचर यहां पे आप T2 और यहां पे T1 बात, तो T1 की जगह आप क्या पुट करो 300 और T2 की जगह आप पुट करो 1000 और यहां से कैलकुलेट करेंगे आप, तो आपका आंसर अपन लिमिट और लोड T2 क्लोज जूल के इक्वल ऑब्टेन होगा। जी सर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वन मोल ऑफ ए नॉन आइडियल गैस अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट, यानी इस स्टेट से इस स्टेट के अंदर नॉन आइडियल गैस चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी आपको दे रही है कितनी डेल्टा यू या फिर डेल्टा ई, ए की बात 0.630 लीटर, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी, जिसको आप क्या लिख सकते हो एक सेकेंड यहां सर अपन क्या कर सकते हैं जी, हमें डेल्टा एच पूछ रहा है तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई या डेल्टा यू प्लस इस वर्क डन को, क्योंकि वेरिएबल कौन कौन है सर, इस बार प्रेशर भी वेरिएबल है 2 एटीएम से 4 एटीएम हो गया है और यहां वॉल्यूम भी क्या वेरिएबल है जी सर, है और क्या करें अब पी वेरिएबल है वी वेरिएबल है, क्या करेंगे इस वर्क डन के लिए P1 V1 माइनस P2 V2 पी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं P1 V1 माइनस P2 V2 ठीक है, इस वैल्यू से आप यहां पर डायरेक्ट डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हैं जी सर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 प्लस इसका आपको क्या लेंगे P1 दे रखा है 2 एटीएम 2 इनटू V1 3 लीटर माइनस P2 4 इनटू 5 बिल्कुल, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, देखो कैसे करके देख लीजिएगा, तो ये 20 माइनस का कितना आ जाएगा 614, तो 30 प्लस 14 कितना हो जाएगा 44 बिल्कुल, इसका आपको मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि इसका साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा ना, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा सॉलिड की सरफेस पे, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा और डेल्टा एच एक्सोथर्मिक रिएक्शन है
तो क्या होगा नेगेटिव होगा। एंट्रोपी भी नो डाउट क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि रैंडमनेस सिस्टम की क्या होगी कम होगी, तो एंट्रोपी भी क्या होगी नेगेटिव, बिल्कुल डिक्रीज करेगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सरफेस केमिस्ट्री, बिल्कुल। तो डेल्टा एस डिक्रीज फॉर द सिस्टम, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज डिफिकल्ट, हेंस इट इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग शो पाथ। तो देखो ए से सी जा रहा है प्रोसेस, फिर सी से डी जा रहा है, डी से बी जा रहा है, तो डेल्टा एस चेंज पूछ रखा है, तो डेल्टा सबको ऐड कर दें, सबको ऐड कर दें, क्योंकि डेल्टा एस कैसा है सर, एक स्टेट फंक्शन, एक अवस्था फलन है जी सर, स्टेट फंक्शन है, तो क्या करेंगे सबको ऐड कर देंगे। तो देखो मैं ऐड ही कर रहा हूं, डेल्टा एस ए से सी, डेल्टा एस सी से डी, और डेल्टा एस डी टू बी, डी टू बी, ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए से सी कितना दे रखा है आपने को सर 50 EU, इसकी यूनिट है, प्लस सी से डी कितना दे रखा है 30 EU, प्लस डी से बी आपको निकाल रहे हैं, बट दे क्या रखा है बी टू डी दे रखा है, तो साइन चेंज कर देंगे, तो माइनस 20 कर देंगे, 20 कर देंगे, बिल्कुल। तो इसका आंसर कितना आएगा, 80 माइनस 20 माइनस 20 यानी 60 हो जाएगा सर, 60 EU, बिल्कुल। इट मींस आंसर बिकम सेकंड, सेकंड। आगे चले 12 नंबर क्वेश्चन, ए पिस्टन filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at constant temperature of 375 ml at constant temperature of 37 degree celsius as it does so it absorb 208 joule of heat, yani ki heat kitni absorb kar rahi hai 208 jo kya hogi positive, theek hai, the value of q and w for the process will be, dekho is question ke andar aap dekho आपको कॉन्स्टेंट क्या दे रखा है टेम्परेचर दे रखा है, और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे इंटरनल एनर्जी क्या होगी जीरो हो जाएगी, इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं सर, सीवी डीटी, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा ई, डेल्टा ई को डायरेक्ट जीरो पुट कर दो और सर फ्लोट लगा दें जी सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या हो जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये जीरो है तो क्यू किसके इक्वल होगा सर माइनस डब्ल्यू के इक्वल होगा, और क्यू कितनी दे रहा है 208 एब्जॉर्ब कर रहा है क्या जी सर, तो एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू तो पॉजिटिव होगा, और Q पॉजिटिव होगा तो वर्क डन तो नेगेटिव मिलेगा, इट मींस वर्क डन का साइन क्या जाएगा माइनस 208 जूल, इस तरह के आंसर होंगे जी सर, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, करेक्ट। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 13 जी सर, फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ इथेनॉल C2H5OH + 3 मोल्स ऑफ O2 गैस गिव्स 2 मोल्स ऑफ CO2 + 3 मोल्स ऑफ H2O लिक्विड, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर इन बॉम कैलोरीमीटर इज 1364.47 किलोजूल पर मोल, ठीक है, डेल्टा ई दे रखा है। देखो बच्चों बॉम्ब कैलोरीमीटर जहां भी लिखा आ जाए इसका मतलब आपको इंटरनल एनर्जी चेंज गिवन है, डेल्टा ई दे रखा है और रिलीज हो रही है एनर्जी, प्रोड्यूस्ड हो रही है, जिसकी क्या करेंगे नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, जिससे माइनस का 1364.47 हो जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा एन जी फाइंड कर लेना रिएक्शन से जी सर, तो ये लिक्विड है, ये गैसियस है, ये गैसियस है और ये लिक्विड है, हमको तो डेल्टा एन जी यानी गैसेस के मोल्स चाहिए, क्या करेंगे प्रोडक्ट कितना है 2, रिएक्टेंट गैसेस कितना है 3, तो 2 माइनस 3 कर दें, यहां से आपको माइनस 1 ऑप्टेन हो जाएगा डेल्टा एन जी का वैल्यू। फाइनली क्या करें डेल्टा एच इक्वल टू द डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा ई कितना है माइनस का 1364.47, ये डेल्टा एन जी कितना है माइनस 1, माइनस 1, तो माइनस 1 इनटू आर का वैल्यू जूल में जी सर, तो 8.314, और टेंपरेचर कितना है केल्विन में 25 डिग्री 298 केल्विन, और इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है ना आपको, तो 1000 से डिवाइड करते हैं आर को जी सर, तो यहां से आपका आंसर आएगा, यानी इसमें कुछ ऐड होगा कहने का मतलब, और ऐड होगा तो ये आंसर क्या आएगा माइनस माइनस है, नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो ये आएगा 1366.95 जी सर, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, किलो जूल। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, आपको स्टेटमेंट के कौन से सही है और गलत है ये आपको चूज करना है, डेल्टा ई इक्वल टू 04 कंबसन ऑफ ए एथेन इन ए सील्ड रिजिड एडियाबेटिक कंटेनर, देखो एडियाबेटिक का मतलब दे रखा है इट मींस क्यू क्या होगा जीरो हो जाएगा, और रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम का एक्सपेंशन नहीं होगा तो वर्क डन भी क्या होगा जीरो, तो फ्लोट लगा दो सर, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा प्लस डब्ल्यू, तो ये डेल्टा ई भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल। सेकंड है डेल्टा एस फॉर्मेशन ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी सही है, बिल्कुल, सल्फर का रोम्बिक ज्यादा मोर स्टेबल होता है, रोम्बिक मोर स्टेबल होता है और उसके लिए डेल्टा एस फॉर्मेशन क्या होगा जीरो होगा, इसके लिए जीरो नहीं होगा, ये भी बिल्कुल सही है। इफ डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी ऑफ CH4, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है
और इस एथेन की डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है और कार्बन कार्बन बॉन्ड की आपसे पूछा हुआ है, तो स्ट्रक्चर से देख लेंगे इसको। तो CH4 में कितने CH बॉन्ड होते हैं? 4 में। स्ट्रक्चर देख लें सर, 4 CH बॉन्ड्स इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। तो यहां पर जितनी भी एनर्जी हो CH बॉन्ड्स की एनर्जी हो जाएगी जी सर। तो सिंगल CH बॉन्ड की एनर्जी निकाल सकते हैं यहां से 1656 पर अपॉन 4 कर दो, ठीक है। अब एथेन की बात करता हूं मैं, तो एथेन के अंदर इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी सर। तो कार्बन यहां स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और CH3 और इधर भी CH3, इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पर टोटल CH बॉन्ड देख लेंगे जी सर। यहां 1 सिंगल बॉन्ड की यानी CH बॉन्ड की एनर्जी निकाल चुके हैं, यहां 6 CH बॉन्ड की एनर्जी मिल जाएगी अपने को। तो 6 * क्या कर देंगे यहां से 1615 / 4, तो 6 CH बॉन्ड की एनर्जी आ गई। तो टोटल इथेन की जो एनर्जी दे रखी है उस एनर्जी में से आप क्या करोगे इसको माइनस कर दोगे। तो इसको माइनस करोगे तो किसकी एनर्जी बचेगी? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी बच जाएगी, ये एनर्जी में से माइनस कर लेंगे जी सर, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, आगे चलते हैं। इट मींस थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट जी सर। फोर्थ ऑप्शन देखें, फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -242 किलोजूल पर मोल, डेल्टा एच वेपोरेशन H2O लिक्विड इज 44 किलोजूल पर मोल, देन डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ OH- विल बी -142 किलोजूल पर मोल, ऐसा कह रहा है। तो आप H2O की स्ट्रक्चर देख लें, जनरली आपको कन्वर्ट क्या करना है H2O गैस और यहां क्या H2O लिक्विड और पूछ कह रहा है वेपोरेशन कह रहा है। तो वेपोरेशन में क्या होगा H2O लिक्विड से H2O गैस का फॉर्मेशन होगा सर, H2O लिक्विड से H2O गैस का फॉर्मेशन होगा, इस तरह का प्रोसेस होगा। अब आपको डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ H2O दे रखा है माइनस का 242 और वो भी किसका गैसियस का, यानी कि इसकी एनर्जी आपको दे रखी है कितनी माइनस का 242 जी सर, ठीक है। और H2O लिक्विड के लिए देखें, H2O लिक्विड जिसके लिए डेल्टा एच दे रखा है कितना, वेपोराइजेशन तो दे रखा है 44 और फॉर्मेशन कितना दे रखा है माइनस का 242, वो तो गैसियस का है जी सर। डेल्टा एच फॉर्मेशन H2O लिक्विड, डेल्टा एच H2O लिक्विड ये 242 ये कैलकुलेट करना है सर जी सर। तो यहां पर आप लिखेंगे डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू दी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें जी सर। तो प्रोडक्ट यानी गैस की कितनी थी यहां लिख लें, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू दी समेशन ऑफ HP माइनस समेशन ऑफ HR, ठीक है सर। अब डेल्टा एच रिएक्शन आपको क्वेश्चन में दे रखी है जी सर, गैस की कितनी थी माइनस 242 और रिएक्टेंट H2O लिक्विड की फाइंड करनी है जी सर, और डेल्टा एच रिएक्शन कितना है 44, ठीक है। तो यहां से चेक कर ले आप, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन H2O इक्वल टू आएगा माइनस का 242 माइनस का 44 ऐड कर दो, ये माइनस का 286 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये सही नहीं, नहीं फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी देखो, पर मोल के लिए हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, मोलर लग गया सर, इसमें मोलर आ गया, इसका मतलब वो इंटेंसिव ही है। तो फर्स्ट इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये भी इंटेंसिव है, ये भी इंटेंसिव है, ठीक। रेजिस्टेंस है वो क्या है एक्सटेंसिव, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर डिपेंड करता है जी सर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और हीट कैपेसिटी भी क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट आंसर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें जी सर। तो फॉर एन आइडियल गैस कंसीडर ओनली PB वर्क इन गोइंग फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट X टू द फाइनल स्टेट Z, द फाइनल स्टेट Z कैन बी रीच्ड बाय आइदर ऑफ द टू पाथ्स शोन इन द फिगर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज करेक्ट, ठीक है। डेल्टा S को क्या बोल रहे हैं, चेंज इन एंथैल्पी, जनरली इसको एंट्रोपी बोलना चाहिए जी सर, एंट्रोपी चेंज है, ठीक है। एंथैल्पी भी कहेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि प्रोसेस कैसा ही है, हम कह रहे हैं कि स्टेट फंक्शन है जी सर, ठीक है। तो फिर कह रहा है वर्क डन, ठीक है। तो इनिशियली एंट्रोपी के लिए अगर चेक करें तो ये स्टेट फंक्शन है सर, तो ये तो हो जाएगा डेल्टा एस एक्स वाई, ये हो जाएगा डेल्टा एस वाई जेड, और कैलकुलेट कौन सा करना है एक्स जेड। तो डेल्टा एस एक्स जेड जो होगा ये इन दोनों के सम की इक्वल होगा, तो डेल्टा एस एक्स टू वाई प्लस डेल्टा एक्स वाई टू जेड, ऐसा ऑप्शन आपका आंसर है।
फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट जी सर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, डब्ल्यू एक्स जेड यानी कि वर्क डन ऑफ एक्स टू जेड, डब्ल्यू एक्स टू वाई प्लस डब्ल्यू वाई टू जेड, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक है, और आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन जीरो होता है, जीरो होता है। ठीक है, थर्ड चेक करते हैं, वर्क डन ऑफ एक्स टू वाई एंड वाई टू जेड, ये होना चाहिए या डायरेक्टली डबल टाइम छप गया सर, ये होना क्या चाहिए? वर्क डन एक्स टू जेड होना चाहिए। तो वर्क डन एक्स टू जेड निकालना है, ये जीरो ही है, ये जीरो तो बचेगा वो नहीं है, यानी कि वर्क डन एक्स टू वाई के इक्वल होगा। तो वर्क डन ऑफ एक्स टू जेड बिकम्स इक्वल टू द वर्क डन ऑफ एक्स टू वाई, ऐसा ऑप्शन आंसर है जी सर। इट मींस ये बिल्कुल सही है, थर्ड इज करेक्ट आंसर जी सर। नेक्स्ट ठीक है, वन एंड थ्री आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कंडीशंस इज शोन इन द फिगर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो देखो ये आपको आइसोथर्मल का दे रखा है, ये एडियाबेटिक का दे रखा है। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, T1 बराबर T2, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है, तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा। क्यों सर? बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, T2 इज ग्रेटर देन T3 इज ग्रेटर देन T1 जी सर। बिल्कुल देखें, तो T1 यहां पर है जी सर, और T3 यहां पर है सर, चेक करें। तो T3 और T1 में आपसे कह रहा है कि ये प्रोसेस तो दोनों कैसे आइसोथर्मल है? आइसोथर्मल ऊपर वाला, नीचे वाला एडियाबेटिक। हां, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है जी सर, और ये आइसोथर्मल है, तो T1 T2 तो इक्वल हो ही जाएगा। अब यहां पर कह रहा है कि ये T3 की वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, किससे? T1 से। देखें सर इसको, तो W आइसोथर्मल ग्रेटर देन W एडियाबेटिक। तो देखो आइसोथर्मल का वर्क डन ज्यादा होगा क्योंकि ग्राफ इसके ऊपर है, और एडियाबेटिक में वर्क डन क्या होगा? कम होगा। अंडर एडियाबेटिक कर्व से अपन ऊपर इसको सॉल्व करें तो W आइसोथर्मल है वो ज्यादा होगा W एडियाबेटिक से, ठीक है। और आइसोथर्मल की जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा होगी एडियाबेटिक से। बिल्कुल जी सर, वी कंटिन्यू। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जो है ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? आपने देखा है प्रोसेस आइसोथर्मल है, जनरली क्या कहते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू पर डिपेंड करता है सर, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू, अब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो क्यू कुछ ना कुछ होगा जी सर, और एडियाबेटिक है तो क्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर एडियाबेटिक कह रहा है तब तो डेल्टा E किसी को होगा? केवल डब्ल्यू के ऊपर। परंतु जब प्रोसेस आइसोथर्मल है तो किस पर डिपेंड करेगा? दोनों पर डिपेंड करेगा। इसलिए कैसा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which of the following property the number of extensive and intensive property are respectively? तो आपको पता करना है intensive property और extensive property। तो कहने का मतलब क्या है कि intensive property वो mass पे depend है नहीं करती, mass independent, और जो extensive property है वो mass पे क्या करती है? depend करती है, mass depend। तो देखो boiling point है जो mass पे depend नहीं करता है, इट मींस ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है? मास पर वॉल्यूम। तो देखो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है ऐसा क्या होता है? इंटेंसिव होगा। तो ये भी इंटेंसिव है, सरफेस टेंशन ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, हीट है वो क्या है? एक्सटेंसिव है, एंथैल्पी भी एक्सटेंसिव है, बिल्कुल। मास क्या है? एक्सटेंसिव होगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी क्या है? इंटेंसिव होगा। एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, ये इंटेंसिव होगा, और इनर्जी ये भी इंटेंसिव होगा, और स्पेसिफिक तो इंटेंसिव होगा जी सर, क्योंकि स्पेशल है तो 1 ग्राम के लिए हो गया जी सर, पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। ये आगे इंटेंसिव और वेपर प्रेशर भी इंटेंसिव। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कितनी होगी? 1 2 3 4। तो एक्सटेंसिव होगी 4, यानी कि E4 एक्सटेंसिव, और इंटेंसिव कितनी होगी? बाकी 8, यानी 4 और 8 इज करेक्ट। बिल्कुल आगे चलें, 19th क्वेश्चन देखेंगे। 19 इन हाउ मेनी चेंज द एंट्रोपी चेंजेस पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सर, फर्स्ट ऑप्शन में गैस से सॉलिड जा रहा है, इसको डिक्रीज करेगी जी सर, क्योंकि जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, मोबिलिटी है, वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा जी सर, इसलिए डेल्टा एस नेगेटिव आएगा सर जी सर, ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये ग्रेफाइट दे रखा है, कार्बन ग्रेफाइट से डायमंड, यानी कि लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रहा है जी सर, और लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाएगा तो भी एंट्रोपी डिक्रीज डिक्रीज करेगा। तो यहां भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। यहां देखिए, कच्चा एग है, रॉ एग है, बॉइल्ड एग में जा रहा है, तो क्या होगा? डीनेचुरेशन हो जाएगा प्रोटीन का जी सर, और प्रोटीन का डीनेचुरेशन होगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी जी सर, यहाँ पर डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा जी सर, ठीक है। फोर्थ में देखें, ये AgNO3 सॉल्यूशन एक्वस में बदल रहा है, तो आयंस क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगी, तो यहाँ पर भी डेल्टा एस बढ़ेगा, पॉजिटिव आएगा। और लास्ट, लिक्विड से गैस यहाँ पर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये भी कैसे होगा? डेल्टा एस
पॉजिटिव देख रहे हो, कहने का मतलब पॉजिटिव एंट्रोपी यहाँ पे तीन में आ रही है, बिल्कुल। धनात्मक जो एंट्रोपी है वो कितने में आ रही है, थ्री में, तो करेक्ट ऑप्शन इज थ्री। लास्ट क्वेश्चन, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर में अभी सर ने बताया था डेल्टा ई का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3.5 ग्राम पे गैस व्हिच मॉलिक्यूलर मास कितना है 28 वाट बैंड इन एक्सेस ऑक्सीजन एट 298 केल्विन, द टेंपरेचर ऑफ द कैलोरीमीटर वाज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 298.5 केल्विन ड्यू टू द कंबशन प्रोसेस, गिव दैट द heat capacity of calorimeter is 2.5, the numerical value of enthalpy of combustion, numerical value आपको calculate करनी है, तो कहने का मतलब temperature में increment कितना हो रहा है 298 से 298.5, ये बोल सकते हो 0.5, ठीक है जी सर। सर ऐसा question जब करते हैं ना तो आपको तो बस delta E की value निकालनी है जी सर, जो कि CV into delta T के equal होती है सर जी सर, तो CV आपको दे रखा है अभी heat capacity 2.5, ठीक है, तो 2.5 किलो में है तो क्या करें 1000 से मल्टीप्लाई कर ले और इनटू में 0.45 डेल्टा टी निकाल लिया ना आपने जी सर, ये आ गया, तो यहां से डेल्टा ई जो आएगी वो आपको अभी कितने के लिए आई है 2.5 ग्राम के लिए, जो मास दे रखा है आपको 3.5 ग्राम के लिए आ रही है, हमको कितने के लिए चाहिए 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए तो 28 ग्राम के लिए निकाल लेंगे, तो चूंकि मेथड लगा सकते हैं यहां पर जी सर, तो आप तो 3.5 ग्राम के लिए कितनी ओपनिंग हो रही है जो आपने कैलकुलेट किया 2.5 into 1000 into 0.45, यहां से 1 ग्राम के लिए कितनी ओपनिंग होगी डिवाइड कर देंगे कितने से 3.5 से, और 28 ग्राम के लिए कैलकुलेट करना है 1 मोल के लिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से, जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 9 किलो जूल पर मोल, बिल्कुल सर ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा 20। तो आज के लिए बच्चों इतना काफी है, तो थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री काफी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और काफी कैलकुलेटिव भी है, ठीक है, आज के लिए इतना काफी, बाकी कल करते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट गुरु नीति के साथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।